नहीं, सरकार से मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से अभी कुछ दिन पहले बातचीत हुई थी, वो मुझे देखने आए थे मेरे आवास पर, तो मैंने उनसे कहा कि ये जो सौंग बांध है उसके लिए जो प्रारंभिक कार्य हैं, उसका डीपीआर बनना, उसके लिए एनजीटी से एनओसी लेना, वो सब काम हो चुके हैं। अब जो पैसे की व्यवस्था है उसको भारत सरकार से, वर्ल्ड बैंक से या जो अन्य जो ऐसी संस्थाएं हैं जो ऋण देती हैं उनसे किया जा सकता है। उससे देहरादून की 100 साल की समस्या का समाधान होगा, देहरादून और सराउंडिंग की। साथ में जो उसका पर्यावरणीय लाभ होगा, उसका जो सोशियो इकोनॉमिक जो इफेक्ट पड़ेगा वो अलग है, उसका उसको भी एक आकलन किया जाए तो बहुत बड़ा लाभ होगा। साथ में आज के हिसाब से अगर हम देखें तो लगभग 150 करोड़ रुपया सालाना जो बिजली हम लोग पानी को पानी उठाने में लगाते हैं, ट्यूबवेल पर जो खर्चा करते हैं, वो 150 करोड़ से भी मुझे लगता है कि ज़्यादा होगा। तो 150 करोड़ रुपया साल का भी हम बचा सकते हैं, और इसलिए उन्होंने कहा कि ठीक है। मैंने कहा आप बजट में थोड़ा प्रोविजन करिए, हर साल कुछ करिए। चलिए, हमने तो टारगेट ये किया था कि हम एक साल में इसको बनाएंगे, 350 दिन का टारगेट हमने किया था, लेकिन बजट की थोड़ा दिक्कत हो सकती है, बीच में कोरोना के कारण भी तमाम समस्याएं खड़ी हुई, जो बैंक देने वाले थे उन बैंकों के साथ में भी थोड़ा प्रॉब्लम आई। लेकिन अगर हर साल हम 100-200 करोड़ रुपये अगर रखें तो हम राज्य के लिए बहुत बड़ी चीज़ होगी, और पर्यावरणीय लाभ के साथ साथ सोशियो इकोनॉमिक इफेक्ट, स्वच्छ जल जो मिलेगा, वर्षा जल क्योंकि सबसे स्वच्छ माना जाता है तो होगा, और भूमिगत जल को हम बचाएंगे। काफ़ी जल हमारा आर्सेनिक होता जा रहा है तो उससे भी हम बचा सकते हैं। कि हमने जब ये डेंगू के पेशेंट बढ़ने शुरू हुए, अरे अनुमान भी था हमको कि इस बार ये बढ़ेगा, क्योंकि इसका साइकिल तीसरे वर्ष का है, तो अनुमान था कि इस बार ये बढ़ेगा, पुराना अनुभव था। तो मुझे लगा कि इसमें ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी, प्लेटलेट्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैंने देवभूमि विकास संस्थान जो एक हमारी स्वयंसेवी संस्था है उनको लोगों को बुलाया, वहाँ पर अपने जो से पदाधिकारी हैं, और हमने बहुत शॉर्ट नोटिस में, 3 दिन के शॉर्ट नोटिस पर ब्लड कैंप की शुरुआत करी 3 सितंबर को। और ये जो फौरी ज़रूरत थी उस ज़रूरत को पूरा करने का काम किया। मैं कह सकता हूँ कि उसका इतना प्रभाव रहा कि तमाम संस्थाएं भी आगे आई, मैंने तमाम संस्थाओं से भी आह्वान किया कि आप लोग भी आगे आइए। तो लगभग 1000 यूनिट हमने पहले फेज में, 1000+ पहले फेज में, यानी 13 सितंबर तक हम लोगों ने पूरा किया। हमने 13 सितंबर तक ही पहला फेज लिया था, क्योंकि इतना ब्लड हो जाएगा कि कुछ दिन हमको फिर उसकी आपूर्ति हो सकेगी। उसके बाद कुछ संस्थाओं ने फिर प्रोग्राम रख दिए, डीएवी हरिद्वार ने रख दिया, तो वहाँ पर भी फिर एक प्रोग्राम और हुआ। और अब 1 अक्टूबर जो राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस के रूप में जिसको मनाया जाता है, उस दिन मेगा ये ब्लड डोनेशन कैंप ये अमरीक हॉल देहरादून में रखा गया है, और इसमें 1000 से अधिक लोगों ने अभी तक आवेदन किया है। तो मुझे उम्मीद है कि 30% अगर हम लोग माइनस भी माने तो 700 से अधिक लोग, और मुझे लगता है कि देहरादून का आज तक का ही सबसे बड़ा कैंप होगा। ऐसा है कि पर्वतीय क्षेत्रों में अगर हम भारी उद्योग की बात करेंगे या जिसका रॉ मटेरियल बाहर से लाना पड़े, तो उद्योग इसका मतलब मेरे सोच से हम सही नहीं सोच रहे, हमारी दिशा सही नहीं है। हमको वहाँ पर जो रॉ मटेरियल है उस रॉ मटेरियल पर आधारित उद्योग स्थापित करने पड़ेंगे। हमारा पूरा पहाड़ खाली पड़ा है, खेती विहीन हो गया है, वहाँ पर हम सोलर प्रोजेक्ट लगा सकते हैं। आपको ध्यान होगा हमने सोलर की एक योजना चलाई थी, और पहली बार 804 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट पहाड़ों में गया, पहली बार इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट पहाड़ों में कभी नहीं गया। दूसरी, आज हमारे पास बहुत रिसर्च हो चुका है पाइन पर, और पीरूथानी केमिकल्स करके इंडोनेशिया में एक कंपनी है जो हमारे यहाँ प्राकृतिक रूप से लगभग 23% फॉरेस्ट हमारा ये चीड़ है, पाइन है, वो वहाँ पर फार्मिंग करते हैं उसके बाकायदा, जैसे गन्ने की फार्मिंग कर रहे हैं, यूकेलिप्टिस की फार्मिंग कर रहे हैं, पॉपुलर की फार्मिंग कर रहे हैं, इस तरह से फार्मिंग करते हैं। पीरूथानी केमिकल्स, पीरूथानी एक जगह है, और 127 किस्म के आइटम वो वहाँ पर बना रहे हैं उससे, रेजिन से, उसके लकड़ी से,
उसकी छाल से, उसकी पत्तियों से। आज हमारे यहाँ भी उस पर अच्छा रिसर्च हुआ है। मैं अभी कुछ दिन पहले गया था, माननीय प्रधानमंत्री जी, बहुत आप लोगों ने खूब छापा कि 40 मिनट प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई, वो यही इशू था। और पीपल जो पिरूल जो है हमारा, जो उसकी पत्तियाँ हैं, इससे केवल अगर हम इससे नीडल्स बनाएँ, ग्रेन्यूल्स बनाएँ, तो लगभग 75,000 लोगों को रोज़गार दिया जा सकता है। और वो कंपनी वाले 4.5 रुपये किलो पिरूल की पत्ती खरीदने के लिए तैयार हैं आपके घर के दरवाजे पर। उससे लगभग 15 लाख मीट्रिक टन हमारे पास चीड़ की पत्तियां हैं और लगभग 7 लाख मीट्रिक टन हमारे पास अन्य बायोमास है जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने क्योंकि उस इंडस्ट्री को स्वयं उससे उसके बॉयलर को चलते हुए देखा, वो अकेली इंडस्ट्री में 1.2 करोड़ रुपये सालाना उनका बिजली में बचत शुरू हो गई। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि पहाड़ों में हमारे पास क्या रॉ मटेरियल है या वहाँ पर हम क्या तैयार कर सकते हैं, उस पर आधारित करें। जैसे हमने ग्रोथ सेंटर शुरू किए थे, अब ग्रोथ सेंटर के बहुत अच्छे परिणाम आए। सरकार अभी मेरी बात हो रही थी किसी सचिव से, तो सरकार आजकल फिर उस पर फोकस कर रही है। तो हमको वहाँ पर जो हमारे पास कच्चा माल है या जो हम वहाँ पर कच्चा माल तैयार कर सकते हैं, इन खेतों में तैयार कर सकते हैं, जिससे हमारे किसानों को अच्छा लाभ हो सकता है, उस पर फोकस किया जा सकता है। हॉर्टिकल्चर हमारे पास अभी देखिए, हमारे देश में हम जो सेब बोलते हैं, अभी मुझे कल ही एक सज्जन से बात होती है, हम बोले हिमाचल को कैसे बीट करेंगे, हम जम्मू कश्मीर को कैसे बीट करेंगे। मैंने कहा बीट कर सकते हैं भाई, बीट करने की जरूरत ही नहीं है। अभी हम 80% सेब आयात करते हैं अपनी डिमांड का। सर